नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। गाइस मैं आज खेलने जा रहा हूँ पेलोड 2.0 और ये मेरा पहला गेम प्ले है। लेकिन पहला गेम प्ले इतना कुछ खास नहीं रहा, एक कैंपर ने मार दिया यार। लेकिन वो पहला गेम प्ले दिखाना तो बनता ही है ना यार, तो इसलिए मैं पहला गेम प्ले दिखा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा गेम प्ले है ये, एग्जैक्ट दूसरा ही है। ऐसा नहीं कि दो चार बार खेला और फिर बंद किया, ये एग्जैक्ट दूसरा ही गेम प्ले है। तो भाई यहाँ पर हम प्लेन से हम यहाँ जाते हैं और स्कूल की तरफ उतर जाते हैं। स्कूल की तरफ हम यहाँ पर उतरते हैं। साइड की बिल्डिंग में एक स्क्वाड उतरी थी इसलिए मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ। लेकिन मेरे टीममेट्स किस टाइप के गधे पता नहीं। और ये देखो हेलीकॉप्टर, मैं यहाँ पर आता हूँ थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। और भाई ऐसे स्कूल के अंदर आता हूँ तो ये देखो स्टेज के पास एक बंदा घूम रहा है। अब मेरे पास तो भैया कोई असॉल्ट राइफल तो थी नहीं, ये ग्रेनेड लॉन्चर का मैं क्या ही करूँगा। तो मैं यहाँ पर मदद मांगने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन भाई ये तो आसपास के दूसरे बंदों से ही लड़ रहे होते हैं, तब तक पता नहीं कहाँ पे छुप जाएगा, कहाँ पे भाग जाएगा वो। मुझे लगा कि मैं फायर करने वाला हूँ इसलिए, मेरे को पता नहीं था ये मेरा पहली बार ही खेल रहा हूँ ये पेलोड। इससे पहले मैं ऐसे तगड़ी ग्रेनेड लॉन्चर वाली तो गन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। और जो बंदा अभी स्टेज की तरफ से भागा वही बंदा वही कैंपर बनके मेरे को क्या कूटेगा देख लेना भाई आप लोग। तो मेरे टीममेट्स ऊपर जाके धमाल मचाते, ये देखो हेलीकॉप्टर ही फोड़ डाला। मैं बोलता हूँ भाई नीचे बंदा है, चलो नीचे स्टेज के पास एक बंदा मुझे दिखा था, चलो चलो। लेकिन भैया ये तो बस इधर उधर चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर बंदा है, कहाँ पर है। तो भाई मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। सोचा कि चलो नीचे आसपास कहीं तो कोई गन मिल जाए तो उस गन से उनको ख़त्म कर दूँगा। लेकिन ये सभी के सभी साइड से आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये तीन नंबर पहले आ गया, मेरे को लगा यहाँ पर कोई भी गन होगी। लेकिन भैया मेरे को एक शॉटगन मिलती है वो भी खाली, तो एक बैग मिल जाता है। आसपास ढूंढता हूँ कि कोई कोई गन मिल जाए, ये गन मिलती है लेकिन इसकी एमो ही नहीं है, तो मैं इस गन का मैं क्या ही करूँगा। ये देखो कैसे चलता है ये, तो मैं सोचता हूँ कि चलो आसपास कहीं शायद किसी ने लूट नहीं की होगी तो वहाँ पर कुछ गन वन मिल जाए। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे मिल जाती है USMP, तो मैं इस USMP को उठा लेता हूँ। लेकिन गलती से ग्रेनेड लॉन्चर की जगह उठा लेता हूँ, मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ पर गन लेके आता हूँ और वो यही पर कुछ कैम करके बैठा था, ये देखो। और मेरे को भैया ख़त्म कर लेता, ये देखो ख़त्म। ये दूसरे मैच में मैं एक इधर कुछ जगह मैप के पास में ये मिलिट्री बेस के साइड में कोई जगह थी तो वहाँ पर उतर जाता हूँ। मेरे पास कोई भी अदर ड्राइफल नहीं थी, एक MGL ग्रेनेड लॉन्चर और एक रॉकेट लॉन्चर RPG थी। तो मैं एक ग्रेनेड लॉन्चर से मारने की कोशिश करता हूँ इस बॉट को, लेकिन भैया लगती ही नहीं भैया अजीब गन्ने। फाइनली वो नॉक हो जाता है, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मत चलाना अभी, ग्रेनेड लॉन्चर मत चलाना, इसको मुक्के से मारो या फिर किसी दूसरे गन से मारो। क्योंकि भैया ये देखो तीन नंबर ने चलाया, मेरे को डैमेज पड़ा। इसलिए अगर आपके सामने कोई एनिमी है तो उसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर चलाने की गलती मत करना, आपको भी डैमेज हो सकता है। इसलिए भाई मैं यहाँ पर थोड़ी सी हील करने के लिए आ जाता हूँ। और हील करके थोड़ी सी लूट करके यहाँ से हमको एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है, तो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। तीन नंबर को भैया आना होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई रुक जा भाई रुक जा, तीन नंबर को भी आना है वो। लेकिन उड़ाने की कोशिश करता था भाई ये कुछ नहीं। अब ये हम सभी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर में दोस्तों दो वेपन्स होते हैं और इस हेलीकॉप्टर की भी एक स्टोरेज होती है जिसके अंदर ग्रेनेड की एमओ और मशीन गन की एमओ होती है। मशीन गन की तो कोई 7 वाली कुछ एमओ होती है। तो भाई हम यहाँ से निकल जाते हैं पोचिंगी की तरफ। पोचिंगी के पास में एक घर था, ये देखो अभी मेरा टीममेट हम ग्रेनेड लॉन्चर से अभी फायर कर गए, देखो फायर किया। मेरे पास मशीन गन थी तो मैं मशीन गन को चला के दिखाता हूँ, ये देखो। ये थोड़ी देर बाद चलती है, झट से तो नहीं चलती है लेकिन काम की है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट नीचे ये नहीं चल पाएगी भाई। ठीक नीचे चलाने के लिए तो आपको ये ऐसे बैठ के ही चलाना पड़ेगी। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने पोचिंगी की तरफ। तो हमको यहाँ पर एक बंदा मिल जाता है पोचिंगी की तरफ, ये बंदा नहीं बॉट ही था। तो इस बॉट को मैं मारने की कोशिश करूँ तो भाई नॉक हो जाता है। तो मैं इसको शॉटगन से मारने के लिए जाता हूँ लेकिन मेरे टीममेट्स उसको ख़त्म कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है भाई, बॉट्स के साथ ही फाइट कर रहा है, रियल बंदों के साथ फाइट नहीं कर सकता था क्या। तो भाई मैं बता दूँ इस मैच में मेरा एक टीममेट ख़त्म हो जाता है, स्क्वाड से ही लड़ते लड़ते मेरा टीममेट भाई ख़त्म हो जाता है।
और दो टीम में जो बच्चे कुछ दो एजेंट थे वो मुझे छोड़कर भाग जाते हैं। ये देखो रॉकेट लॉन्चर में चला रहा हूँ। अब मेरे को तो क्या सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने की आदत नहीं है, मैं ज़्यादा खेलता नहीं, मैं पहले ही मैच में मर जाता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा देर टिक गया, ये मुंबई मेरी किस्मत थी। यहाँ पर पचिंगे के पास में घर था तो सोचा यहाँ पर थोड़ी सी लूट कर लेते हैं, थोड़ी सी लूट करने के बाद मुझे दिखता है एक हेलीकॉप्टर। मैं बोलता हूँ हेलीकॉप्टर है, आजा भाई आजा आजा। तीन नंबर तो क्या कुछ ग्लिच हो रहा था भाई, तो वहीं पर रुक जाता है। मैं बोलता हूँ चलो चलो वहाँ पर चलते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और मेरा भैया ये एंगल बन ही नहीं रहा था, मतलब चलाऊँगा कैसे मैं। तो हम लोग भाई उनकी तरफ बढ़ चलते हैं और मेरा टीममेट बोलता है कि तू उसको गोले दाग दे, तो मैं भी दागने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारा पायलट भाई साहब ऐसे हेलीकॉप्टर चला रहे हैं भाई, इतना हिल रहा है, मेरे को एंगल ही बना है। मेरे को भैया एम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और इन लोगों ने कहा भैया वहाँ पर है छत पर हेलीपैड क्यों, हेलीकॉप्टर कौन उतरता है भाई, छत पर हेलीपैड है क्या। और हमारा टीममेट भी और नीचे से भैया एक बॉट परेशान कर रहा था, मुझे लगा कि कोई बंदा है, इसलिए भैया हमारा टीममेट जो है ये छत पर ही पार्क कर देता है। मैं जैसे ही बाहर आता हूँ सीधा नीचे गिर जाता हूँ और मेरे तीन टीममेट ऊपर, और वो बंदा जो ऊपर था वो हमारे टीममेट्स के ऊपर ऐसी रॉकेट दाग देता है कि हम एक नंबर तो भैया नॉक हो जाते हैं। तो मैं उसको मजट से रिवाइव देता हूँ, इसको रिवाइव दिया, चार नंबर नॉक हुआ। तो मैं भैया इधर चेक करता हूँ कहाँ पर है भाई, कहाँ पर सामने आ जा। लेकिन भैया चार नंबर बोलते हैं कि मेरे पास आओ भाई, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। मेरे को अभी इसका फीचर नहीं पता था कि भैया आप कार्ड से जो है अपने टीममेट को बढ़ा सकते थे। तो ये भी देखो आ रहा है, ये निकल ऐसे निकल ख़त्म। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे पर इसका दूसरा बंदा मेरे पर फायर करता है, मैं रिलोड मारता हूँ और जैसे इसके ऊपर फायर करता हूँ ये देखो मेरे पर रॉकेट लॉन्चर आइलैंड रॉकेट लॉन्चर से ख़त्म। मैं इधर आ जाता हूँ एक नंबर के पास, भाई मेरे को रिवाइव दे दे। ये रिवाइव दे रहा होता है तभी वो बंदा आके मार धमकता है। ये देखो मैं बोलता हूँ मार उसको मार, तो भैया उसको ख़त्म कर देता है। और फिर भैया मेरे को जो है थोड़ी सी लूट ये लूट करता है और मेरे को बचा लेता है। लेकिन इतने में हमारे चार नंबर ख़त्म हो जाते हैं। हील करने के चक्कर में भैया याद ही नहीं रहा कि वो ऊपर ही चढ़ के बैठा है, ऊपर भैया उसका कार्ड है, कार्ड अगर मिल जाता तो उसको बचा लेता। इसके अंदर असल में दोस्तों एक कार्ड होता है, अगर आपका टीममेट टपक जाए तो उसका एक टाइमर होता है, उस टाइम के अंदर अगर आप अपने ही टीममेट की पेटी लूट लो तो आपको उसकी पेटी में एक कार्ड मिल जाता है, आईडी कार्ड। उसको कम्युनिकेशन टावर से जुड़ के आप अपने टीममेट को वापस बुला सकते हैं, लेकिन उसकी लूट नहीं मिलेगी। तो ये देखो मैं हेलीकॉप्टर चलाने जाता हूँ, लेकिन चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो तो भैया पूरा का पूरा ही फिनिश, अब उसको जिंदा भी नहीं कर सकते। लेकिन इस कम्युनिकेशन टावर का एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे आप देख रहे हैं मेरी साइड में हेलीकॉप्टर का भैया पूरा बैंड बज गया है, और यहाँ पर मेरे भैया इतने सारे टीममेट जो है ऑफलाइन हो जाते हैं। तो अब मैं अकेले बचता हूँ, मुझे यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर वाला बंदा दिखता है जो यहाँ पर घूम रहा होता है। ग्रेनेड लॉन्चर जैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई आरपीजी तो है नहीं कि सीधा भैया रॉकेट दाग दूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ छुप जाता हूँ, हेलीकॉप्टर में पता नहीं स्क्वाड में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बंदा होता है, मुझे लगा स्क्वाड है, ये तो कोई छत के ऊपर चढ़ के मेरे को फायर करता है, वो मेरे को यहाँ पेज पे कर देता है और दूसरी तरफ कूद जाते हैं। तो मैं भैया डर के मारे घर के अंदर कूद जाता हूँ। अब ऐसा तो मेरे को आदत नहीं है कि भाई किसी से फाट करूँ, और जैसे ही मैं इसके तरफ आता हूँ ये देखो ख़त्म, पूरा ही ख़त्म कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।